वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में हमारे पास है एक गियर मोटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है दोस्तों हमारे पास एक 100 RPM वाली गियर मोटर। तो इस गियर मोटर का टॉर्क बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पर एक मिनट में ये 100 बार आराम से यहाँ पर रोटेट करती है। यहाँ पर देख सकते हो इस मोटर से आपको बहुत ही ऐसे टॉर्क भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये मोटर कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी छोटी है। ये मेरे पूरे हाथ के उंगलियों के बराबर है, देख सकते हो मेरी उंगलियों के बराबर ये इस मोटर का यहाँ पर आकार यहाँ पर देख सकते हो। पीछे इसकी मोटर की बात करें तो देख सकते हो मोटर करीब करीब इसकी यहाँ पर लंबाई की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 1 इंच की यहाँ पर इसकी लंबाई, 1 इंच में भी थोड़ी सी यहाँ पर कम देख सकते हो। फिर इसकी यहाँ पर गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा यहाँ पर प्लास्टिक से बने हुए इसके गियर है दोस्तों। यहाँ पर ये प्लास्टिक के इसके अंदर गियर आपको मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो इसकी सॉफ्ट भी लगभग 1 इंच के बराबर इसकी यहाँ पर सॉफ्ट भी है। यहाँ पर आपको एक बड़ा वाला नट भी देखने को मिल जाएगा ताकि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी डिवाइस में आपको इसको आराम से यहाँ पर अटैच कर सकते हो। इसकी सॉफ्ट में यहाँ पर आपको एक छेद भी देखने को मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर एक छेद है। इस छेद के अंदर से आप यहाँ पर कोई भी स्क्रू को डाल सकते हो और कोई भी अटैचमेंट अटैच यहाँ पर कर सकते हो। तो इस मोटर को आप यहाँ पर 12 वोल्ट से आराम से यहाँ पर रन करवा सकते हो। तो हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी भी है, देख सकते हो 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी के अलावा हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, देख सकते हो। इस मल्टीमीटर के द्वारा आपको मैं सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज बता दूंगा और हमारी जो मोटर है ये कितने एम्पेयर का करंट ले रही है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हमारे बैटरी के कितने वोल्टेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे बैटरी के लगभग यहाँ पर 12.6 वोल्टेज यहाँ पर है, मतलब 12.6 वोल्टेज हमारे बैटरी के वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे मल्टीमीटर में। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस मोटर को सीधे वर्क करके बता देता हूँ कि कितना यहाँ पर ये हमारी मोटर चलती है कि नहीं चलती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएंगे और फिर नेगेटिव में नेगेटिव लगाएंगे। तो देख सकते हो हमारी मोटर यहाँ पर वर्किंग कर रही है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। ये 1 मिनट में 100 चक्कर लगाती है, मतलब कि 1 मिनट में यहाँ पर 100 बार यहाँ पर ये रोटेट करती है। देख सकते हो हमारी मोटर की आवाज़ दोस्तों, यहाँ पर मोटर की आवाज़ भी आपने यहाँ पर सुन ली, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर घूम रही है। तो इसको यहाँ पर रोकना भी बहुत ही मुश्किल है, देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको रोक भी रहा हूँ तो भी यहाँ पर ये नहीं रुकने वाली है, देख सकते हो बहुत ही इसको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ फिर भी नहीं रुकने वाली है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर एम्पियर भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितने एम्पियर का यहाँ पर एक करंट ले रही है। तो चलिए इसे भी कनेक्शन करते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमने इसे कनेक्शन कर लिए, हमारे मोटर के नेगेटिव को डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। फिर हमारे बैटरी के पॉजिटिव को हमने यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। फिर मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है देख सकते हो वो मेरे हाथ में, उसको हम यहाँ पर हमारे मोटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसके सीरीज एम्पियर टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो मोटर है 0.02 एम्पियर का यहाँ पर करंट ले रही है, देख सकते हो 0.022 एम्पियर का यहाँ पर करंट ले रही है। और यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हो जैसे ही मैं इसके ऊपर थोड़ा लोड डालूंगा इसके यहाँ पर एम्पियर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, देख सकते हो 0.14 एम्पियर यहाँ पर इसका करंट यहाँ पर ले रही है। अभी यहाँ पर इसको मैं फ्री कर दूंगा तो इसके एम्पियर यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो देख सकते हो एक बार मैं आपको इसको नीचे भी इस प्रकार से करके दिखाता हूँ, देख सकते हो इसके एम्पियर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर लोड इससे बढ़ेगा इससे जैसे इसके यहाँ पर थोड़ी एम्पियर भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। लगभग यहाँ पर ये 0.200 एम्पियर तक इसके एम्पियर यहाँ पर चले जाते हैं, देख सकते हो। मैं इसके ऊपर जैसे ही जोर डालूंगा हमारी मोटर भी नहीं रुकने वाली है, फिर भी यहाँ पर इसके एम्पियर थोड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं पर हमारी मोटर नहीं रुक रही है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये गियर मोटर वर्क कर रही है। आप इसको यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्टर में इसको यहाँ पर मतलब काम में ला सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका यहाँ पर रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।